हेलो बच्चों, आज आप सबका स्वागत है पढ़ई तोहर द्वार के अंतर्गत। आज हम कक्षा 6वीं का विषय गणित में बीजी व्यंजक पढ़ेंगे। आप लोग सब इसको समझ के मुझे जवाब भी दीजिएगा। चलिए, पिछली क्लास कक्षा पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था चर संख्या, पढ़ा था, इसी को हम आगे लेकर जाएंगे। चर संख्या क्या थी? कोई है जुड़ा नहीं। चर संख्या वह राशि जिसका संख्यात्मक मान निश्चित नहीं होता। वह राशि जिसका संख्यात्मक मान निश्चित नहीं होता। इसका मतलब ये हुआ कि हर परिस्थिति के अनुसार इसका मान बदलता रहता है। जैसे हमारे पास कुछ अंक हैं, 2, 4, 6, इनका मान निश्चित है। यदि मैं आपको कहूं तो ये 2 पेन है, 3 पेन है, या इसका मतलब आप सब समझ जाएंगे। लेकिन कभी कभी आपके प्रश्न में, जैसे आप किसी राशि को एक्स वाई जेड मानते हैं, एक्स वाई या जेड या कुछ और भी मानते हैं, तो इसका हम इसको क्या बोलते हैं? चर संख्या। तो अब बीजी व्यंजक क्या होता है, हम आपको ये समझाएंगे। बीजी व्यंजक का मतलब होता है चर और अचर राशि, यानी हम इसको क्या भी बोलते हैं? अचर। और ये है हमारी चर। तो बीजी व्यंजक हो जाता है जो हम आज पढ़ रहे हैं, चर व अचर राशि से बना व्यंजक बीजी व्यंजक है। जैसे कि आपके पास मान लीजिए लिखा है एक्स प्लस टू, तो इसको हम कहेंगे बीजी व्यंजक। एक एक राशि इसमें चर है, एक में अचर है। अब हम इसको कैसे मानते हैं? जैसे मान लीजिए आपके पास कोई है, राम नाम का व्यक्ति, जिसकी वर्तमान आयु, मैंने कहा जो भी आयु है उसके 10 साल पहले की आयु बताइए और 10 साल बाद की आयु बताइए। तो आपको क्या करना पड़ेगा? जैसे राम की वर्तमान आयु हमको नहीं मालूम, तो हम इसको एक्स वाई जेड कुछ भी मान सकते हैं। जनरली हम लोग एक्स से शुरुआत करते हैं, आयु एक्स है। तब हम 10 साल बाद क्या करेंगे? तब 10, एक मिनट दूसरे लेती हूँ। तब 10 वर्ष बाद क्या होगा? हम ये एक्स आगे हो जाएगा 10 साल, तो हम क्या कर देंगे? जो भी आयु रही उसमें 10 को जोड़ देंगे। इसी तरह से यदि हम 10 वर्ष पहले की बात करें, क्या हो जाएगा? एक्स में से हम 10 को घटा देंगे। तो ये जो आपके व्यंजक बने, एक्स धन 10, एक्स ऋण 10 या एक्स धन 2, ये सब क्या कहलाते हैं? बीजी व्यंजक। ठीक है, और हम इसको और भी समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये ब्लैक बोर्ड है, इसकी लंबाई मैंने कह दी, इसकी लंबाई चौड़ाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है। इसकी लंबाई, ये जो लंबाई है, इस चौड़ाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है, लेकिन हमको तो इसकी चौड़ाई नहीं मालूम है। तो हम क्या करते हैं इसके लिए? इसको एक राशि मान लेते हैं। तो मैंने माना माना ये क्या है? एक आयताकार ब्लैक बोर्ड है। माना आयताकार ब्लैक बोर्ड या व्हाइट बोर्ड है, ब्लैक बोर्ड नहीं, चलो हम ब्लैक ब्लैक बोर्ड लिखते हैं जनरली, व्हाइट बोर्ड की लंबाई y सेंटीमीटर है। तब क्या होगा? चौड़ाई क्या हो जाएगी? सॉरी, चौड़ाई y सेंटीमीटर है,
तब लंबाई हो जाएगी, ये है आपकी चौड़ाई, ये है आपकी लंबाई, तब लंबाई हो जाएगी y धन 5 सेंटीमीटर। तो इस तरह की जब व्यंजक बनेंगे इनको हम कहेंगे बीजी व्यंजक। अब जैसे आपको बीजी व्यंजक किसी सवाल में बनाना है तो आप क्या करेंगे? जैसे मैंने आपको दिया कोई सवाल, आप ही से पूछा, किसी संख्या का 2 गुना मान क्या है? प्रश्न है, किसी संख्या का 2 गुना मान क्या होगा? आप संख्या मान सकते हैं मन में, क्या मानेंगे आप संख्या? मान लीजिए आपने वाई मान, तो वाई का 2 गुना हो जाएगा आपका 2 वाई, क्या हो जाएगा? 2 वाई। और आप इसको सारे सवाल ले सकते हैं, किसी संख्या का 4 गुना से 3 कम है, किसी संख्या का 4 गुना या 4 गुना से 3 कम, तब आपको पहले 4 गुना करना पड़ेगा। तो आपने एक्स मान लिया यहाँ पर, 4x 3 कम है, तो हम क्या कर देंगे? ऋण का चिन्ह, 4x ऋण 3, कम के लिए हम क्या कर देंगे? ऋण का चिन्ह। तो क्या हो जाएगा? 4x ऋण 3। इसी तरह से आप किसी को और मान सकते हैं, किसी संख्या का 5वां भाग, किसी संख्या का 5वां भाग। अब इसमें कोई है क्या क्लास में, ये बताएगा किसी संख्या का 5वां भाग? यहाँ भाग लिखा है, इसका मतलब आपको उसको विभाजित करना है। आप संख्या को यदि x मानते हैं तो x का 5वां भाग यानी आप उसको 1/5 करोगे, इसका मतलब हो गया x/5। ये आपका, ये भी क्या हुआ? बीजी व्यंजक हुआ, ये बीजी व्यंजक हुआ, ये बीजी व्यंजक हुआ। तो हमने सारे ले लिए, गुना करने लिए, भाग ले लिया, जोड़ने का मैंने आपको बता दिया था, घटाने का, तब भी एक और लेते हैं। चलिए, हम लोग ने लिया किसी संख्या में उसी संख्या का 7 गुना जोड़ा जाए, किसी संख्या में 7 गुना जोड़ा जाए, अब देखिए कोई संख्या मान लीजिए हमारे पास x है, x में क्या करना है? उसी संख्या का 7 गुना जोड़ना है, यानी हमको x में 7 का गुना करना है। पहले तो हमारे पास संख्या x थी, अब हमने उसका जोड़ने के लिए प्लस का चिन्ह लगाया, क्या जोड़ना है? उसी संख्या का 7 गुना, तो हम इसमें 7 का गुणा करके x लिख देंगे, ये हो गया आपका बीजी व्यंजक, यानी इसको जोड़ने पर हो गया आपके पास 8x। इसके आगे कुछ नहीं, इसका मतलब क्या है? 1। तो ये हो गया आपका 1x धन 7x बराबर 8x। तो इस तरह से यदि आपको बीजी व्यंजक बनाना हो इबारती का, तो आप ये इस तरह से बनाएंगे। अब मैं आपसे कुछ पूछती हूँ, कोई व्यंजक दूंगी और उसमें आप बताएंगे। एक व्यंजक है और उसमें चर राशि है और अचर राशि है, इसको हम लोग और बोलते हैं चरांक और इसको बोलते हैं स्थिरांक। अचर मतलब जो स्थिर है, जो संख्या निश्चित है, उसको हम क्या बोल देते हैं? स्थिरांक। मैं आपको एक व्यंजक दूंगी और उसके चर और अचर आपको बताऊंगी। मान लीजिए आपके पास कोई व्यंजक है 3x धन 2y, अब आप इसमें बताएंगे चर राशि क्या है और अचर राशि क्या है। चर मतलब जिसका मान बदल सकता है, तो हम x और y यहाँ देख रहे हैं, जिसका मान बदल सकता है, तो हम इसको लिखेंगे x और y। और 3 और 2 का मान हमेशा स्थिर रहेगा, तो हम इसको क्या लिख देंगे? 3 और 2।
इस तरह से हमको दो यहाँ चर और दो अचर मिले। यदि मैं आपको लिखाती हूँ कि 7x 7 ऋण 3x, तब क्या होगा? यहाँ पर आपके पास सिर्फ x ऐसा है जिसका मान समय के अनुसार बदल रहा है, यानी वो क्या है, चर राशि है। और 7 और 3 का मान हमेशा 7 और 3 निश्चित रहेगा, तो ये आपकी हो गई अचर राशि या स्थिरांक। या यदि मैं आपको कहूं कि y ऋण x, तब क्या होगा? y ऋण x में आपको कुछ अंक दिखाई दे रहे हैं, शायद कोई बच्चे कहेंगे नहीं दिखाई दे रहे हैं, x और y तो सबको दिखाई दे गए, तो हमने यहाँ लिख दिया x और y। अभी मैंने आपको पुराने प्रश्न बताया था, जब इनके आगे कुछ नहीं होता तो अपने आप क्या होता है, 1, ये लिखा नहीं जाता, इसमें छुपा हुआ है। तो हम इसको क्या लिखेंगे, अपने पास अचर राशि है 1। आप चाहे तो यहाँ भी 1 1 और जोड़ सकते हैं, सब जगह 1 है, इसमें जरूरत नहीं क्योंकि सिंगल कुछ नहीं है। जहाँ भी आपका सिंगल एक्स और वाई होगा वहाँ आप क्या 1 लिखेंगे। और कुछ ले सकते हैं, जैसे आपका सिंगल जेड है मान लीजिए, तो आपके पास चर तो मिल गया आपको जेड, अब इसमें 1 यहाँ लिखा हुआ है अपने आप, तो आप क्या लिखोगे, अचर को 1। ये हो गया आपको व्यंजक में से चर और अचर को अलग अलग करना, यानी आपको क्लियर हो जाएगा कि किसको हम चर कहते हैं किसको हम अचर कहते हैं। क्योंकि बहुत आगे तक की क्लास में जाने पर भी बच्चों को ये समझ में नहीं आता कि चर राशि क्या है और अचर राशि क्या है, चाहे वो कितने भी सवाल बना लें। तो ये आपको आज क्लियर हो जाएगा कि चर और अचर क्या होता है। अब मैं आपको अगला बताऊंगी, बीजी व्यंजक में पदों की संख्या। इसका सीधा सीधा एक समझ है कि जिस व्यंजक में जितनी बार प्लस और माइनस आया है, जितनी बार आपका धन और ऋण का उपयोग हुआ है, बीजी व्यंजक उससे 1 ज्यादा होगा। जैसे मैंने यहाँ लिखा आपका x प्लस वाई, तो यहाँ अपना 1 बार प्लस आया है, तो यहाँ बीजी व्यंजक कितने हो जाएंगे, 2। यदि मैं यहाँ लिखूँ x ऋण y धन z, तो 1 बार प्लस आया 1 बार माइनस आया, तो आपके बीजी व्यंजक हो जाएंगे 3। आप गिन भी सकते हो, 1 2, यहाँ पर 2 है, 1 2 3, यहाँ पर 3 है। तो इसके लिए आपका सीधा सीधा पुस्तक में भी दिया है, जितनी बार आपका प्लस और माइनस का चिन्ह होगा, जितनी बार प्लस या माइनस का चिन्ह होगा बीजी व्यंजक में पदों की संख्या के लिए हम 1 जोड़ेंगे। अब जैसे हम फिर से चलते हैं, कुछ और प्रश्न ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास लिखा है अंक वाला, 9 प्लस 3x प्लस 3y माइनस z। अब आप देखिए यहाँ 9 3x 3y z है, अपने आप समझ जाएंगे कि 4 है। कई बच्चे यदि समझते हैं कि माइनस कर दिया तो क्या एक पद घट जाएगा, नहीं, ये तो पद है इसमें, क्योंकि घटेगा नहीं, ये पद अलग है, z वाला, ये y वाला अलग है, x वाला अलग है, तो ये सब पद अलग अलग है, इसलिए ये घट नहीं सकते। और ये आपस में लिखा जरूर है प्लस, लेकिन आपस में जुड़ते एक साथ नहीं है। तो ये हो जाएंगे आपके पास 1 2 3 4, 4 हो गए। 1 2 3 बार हमने प्लस और माइनस का उपयोग किया, 1 2 और ये 3, तो इसमें हमने 1 जोड़ा तो ये आपका आ गया 4। यदि आपके पास 9 प्लस 7 प्लस 3x प्लस 2x है, तब आप क्या करेंगे, समान चिन्ह समान समान को जोड़ देंगे। जैसे 9 और 7 जुड़ जाता है, 9 और 7 कितना हो जाएगा, 16। 3x और 2x जुड़ जाता है, कितना हो जाएगा, 5x। लेकिन अब 3x और 2y को आपस में जोड़ के 5xy नहीं लिख सकते, ये बच्चे 6वीं क्लास में सभी गड़बड़ करते हैं, उनको समझ में नहीं आता, 3 और 2 को जोड़ देते हैं और x और y को साथ में लिख देते हैं,
एक्स एक अलग है और वाई एक अलग है, हम इनको आपस में नहीं जोड़ सकते। सेम वैसे ही जैसे आपके घर में एक टोकरी में संतरे और अंगूर रखे हैं, है ना? तो यदि मैं कहूँ कितने संतरे और कितने अंगूर हैं, तो आपको अलग अलग बताना पड़ेगा कि इतने संतरे हैं और ये इतने अंगूर हैं, आप दोनों को जोड़ नहीं सकते। जैसे आपके इसमें 5 संतरे और 5 अंगूर रखे हैं, तो आप उसको 10 नहीं कर सकते, आप बोलोगे 5 अंगूर और 5 संतरे। सेम चीज यहाँ पर है, यहाँ आप एक्स को अलग रखोगे, वाई को अलग रखोगे, तो हमारे पास हो जाएगा यहाँ पर, मैंने क्या किया था, एक्स 16 धन 5x, यानी फिर हमारे केवल कितने पद हो गए, एक प्लस का चिन्ह लगा, यानी हमारे पास 2 हो गए। बीजी व्यंजक में पदों की संख्या इस तरह से आप निकालेंगे। बहुत सारे, अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर 5x y z सब एक साथ लिखा हुआ है, तीनों एक साथ लिखे, अब इनके बीच में कोई प्लस का चिन्ह नहीं है। कई बच्चे सोचेंगे अरे एक बार x आ गया, एक बार y आ गया, एक बार z आ गया, क्या हम इनको 3 लिख दें? नहीं, हमको इसको पूरे एक साथ है, इसलिए हमको क्या लिखना पड़ेगा, ना कोई प्लस है ना कोई माइनस, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ एक। ठीक है, अब आपके पास सजाती और विजाती के प्रश्नावली में सवाल दिए हैं कुछ, उसके पहले मैं आपको समझा देती हूँ सजाती क्या होता है और विजाती क्या होता है। अपन लोग सामान्य भाषा में जानते हैं, सजाती आपसे बोलेंगे तो आप समझ जाओगे कि हम एक ही जात के लोग हैं, है ना, कोई साहू है, कोई विश्वकर्मा है या कोई और, तो आप जैसे जात बोलेंगे तो हम लोग, अपन को क्या ध्यान आता है कि हमारी जात की भाषा में बात कर रहे हैं। वैसे जात यहाँ पर अंकों की है, चर और अचर की है। जैसे मान लीजिए आपको सजाती में है 3 समस्त पद, जिनमें चर और अचर या चरांक या बीजांक, जिनमें हम सीधी भाषा लिख देते हैं चर या अचर, चर या बीजांक लिख देते हैं, चर या बीजांक वाला भाग समान होता है वह घात भी, मैं अभी आपको बताऊंगी घात कैसे बोल रहे हैं, घात भी समान होती है। जैसे मैंने यहां 2 व्यंजक लिखे आपके पास, 6xy और यहां मैंने लिख दिया 9xy, ये दोनों में एक्स वाई समान है, लेकिन जब यहाँ मैं चर और अचर लिख रही थी, अचर क्यों नहीं लिखा, अचर अलग अलग हो सकता है, ये आपका नौ ये वाला मान अलग हो सकता है, अंक वाला मान अलग हो सकता है, परंतु आपको क्या सही ढूंढना है, आपको देखना है ये चर एक्स वाई और ये एक्स वाई, ये दोनों में समान है, तो हम इनको क्या कहेंगे, सजाती। यदि आपके पास है 8y का वर्ग और 11y, तब आप देखेंगे कि यहाँ y का वर्ग है और यहाँ y है, यानी यहाँ सिर्फ एक घात है, यहाँ कितनी घात है, 2, घात असमान है, तो हम इनको सजातीय नहीं कहेंगे, यही हमने प्रश्नावली में लिखा था, प्रश्नावली बोल रहे हैं, परिभाषा में लिखा था। चलिए इसके कुछ और उदाहरण हम ले लेते हैं हमारी पुस्तक में जो दिए हैं। जैसे आपके पास दिया हुआ है बहुत सारा LMN के सजाती ढूंढना है आपको, LMN की सजाती देखिए क्या हो सकते हैं। यहाँ पर आप, मैंने लिख दिया 6L 5MN 2/3 LN और LMN और 2L और क्या लिखा, -6LN, कौन हुआ LMN, कहाँ पर है आप ये देखेंगे, यहाँ पर L है सिर्फ, यहाँ पर MN है
यहाँ पर एल एन है, अभी एम नहीं है इसलिए हम इसको नहीं देख सकते। अब हमको सिर्फ और सिर्फ ये एक पहला मिला है एल एम एन, फिर यहाँ फिर एल आ गया और यहाँ लास्ट में फिर एल और एन आ गया, तो हमको एल एम एन का सजाती एक मिला, एल एम एन सिर्फ, यानी जो जिसका हम सजाती ढूंढ रहे हैं उसको ही हम यहाँ पर ढूंढेंगे। और उदाहरण दिए हुए हैं जैसे कि एस टी के सजाती, एक था आपके पास है 4 RS 7 ST ऋण 14 RT और 2 RST और 4 A और एक और लेते 4 T। कहाँ पर देखेंगे एस टी कहाँ है, क्या यहाँ पर है एस टी? नहीं, यहाँ पर दिख रहा है 7 ST, यहाँ पर है ऋण 14 RT, ऋण 2 RST, 4 A 4 T, सिर्फ आपके को मिला 7 ST। तो ये हो गया आपका सजाती। अब विजाती एक और है इसके साथ में, विजाती किसे कहते हैं? यानी इसके अपोजिट समझ लीजिए, अभी जैसे मैंने आपको सजाती बोला, जो हमको सजाती मिला, बाकी सब क्या हो जाएंगे? विजाती। जो सजाती नहीं है वो क्या कहलाएंगे? विजाती। ऐसे समस्त पद जिनके चर या बीजांक वाला भाग समान नहीं होता है, यहाँ समान था तो अब यहाँ समान नहीं होता, वह घात भी, घात को भी इसमें जरूरत नहीं है, समान नहीं होता तो वो क्या कहलाते हैं? विजाती कहलाते हैं। अब जैसे एल एम एन के विजाती क्या हो जाएंगे? बाकी सब हो जाएंगे। एल एम एन को छोड़कर ये सब क्या हो जाएंगे? विजाती। इसमें हम आधा कर देते हैं, बहुत सारे हो गए। एस टी के विजाती कितने हो गए? कौन कौन हो गया? 4 RS 4 A 4 T, ये हो गए विजाती, जिसमें आपकी समान चर ना हो, जिसमें आपके चर असमान हो वो कहलाएंगे विजाती। अब एक और चीज आपके पास रह गई है, एकपदी और द्विपदी व्यंजक किसे कहते हैं? अभी आपने थोड़ी देर मैंने आपको पहले बताया था, उसी से रिलेटेड है एक पदी व्यंजक। वा द्विपदी व्यंजक, मैं कुछ व्यंजक लिख रही हूं, 3x+4y, फिर सेकंड 9+3y, 4a-7y, 7b, 5x-1 या +1 उस तक का है, तो a-30। अब आप इसमें बताएंगे कौन एकपदी है कौन द्विपदी है। एक दो और ले लेते हैं, 4ab, थ्री एक्स वाई, a+ab c। यहाँ आपको बहुत आसान है, ये पुराना जैसा ही है, जैसे हमने एक बार प्लस लगाया तो हमको एक बढ़ा देना है, यहाँ
भी हमको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि हम इसको एक 3x को एक अलग मान सकते हैं, 4y को अलग, तो हम सीधा सीधा इसमें लिख देंगे ये कौन सा व्यंजक है, द्विपदी। आपकी प्रश्नावली में प्रश्न दिए हुए हैं ये भी आपके पास है 9 और 3y, इसको भी हम क्या लिखेंगे, द्विपदी। यहाँ पर देखिए 4ab, यहाँ कोई प्लस माइनस का चिन्ह नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक दिखाई दे रहा है, तो हम इसको लिखेंगे एकपदी। 3xy में भी कुछ प्लस माइनस का चिन्ह नहीं है, तो हम इसको लिखेंगे एकपदी। ए धन ABC में हम लिखेंगे द्विपदी। दो दिख रहे हैं, भले ही यहाँ आपको अंक नहीं है तब भी दोनों राशियां अचर, सॉरी चर हैं, तब भी हम दोनों चर में भी क्या लिखेंगे, द्विपदी। ऐसा नहीं कि दो चर हैं तो हम उसको एक पदी लिखते हैं। यहाँ पर आपके दो चर थे, यहाँ पर आपका एक अचर था, एक चर था, यहाँ दो चर हैं, ये एक चर एक अचर, एक चर एक अचर, दोनों मिल गए हैं, तो हम इनको लिखेंगे द्विपदी। तो ये हो गया आपका एकपदी, द्विपदी, सजाती, विजाती और व्यंजक जानना। और आपको गुणांक और बता देती हूँ, किसी व्यंजक में गुणांक किसे कहते हैं। व्यंजक गुणांक और चरांक, चरांक मतलब चर वाली राशि। आपके पास व्यंजक है 9PY, 9PY। यहां पर आपको चर दिखाई दे रहे हैं, चर दिखाई दे रहे हैं कौन कौन से, पी और वाई आपने लिख दिया। अब बिना चर यानी गुणांक क्या दिखाई दे रहा है, अचर राशि आपकी है 9, तो आप गुणांक में उसको लिख देंगे 9। बहुत आसान है, बस आप समझ के इसको कर सकते हैं। इसी तरह से यदि आपके पास है -18AB, तो आपके पास ए बी आपको दिखाई दे रहा है कि क्या है, इसका मान निश्चित नहीं है तो ये बदल सकता है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, चर। अभी तक हर जगह आपको XY AB मिलता है, कोई और भी राशि आप लिख सकते हैं। हिंदी में अपना पहले आभाषा भी लिखा जाता था, लेकिन अब ये नहीं लिखा जाता। अब हम लोग क्या करते हैं, सबसे आसान हो जाता है XYZ ABC। कोई भी आप इंग्लिश का अल्फाबेट हिंदी का ले सकते हैं, लेकिन जनरली हिंदी का कोई यूज़ नहीं कर रहा है, क्योंकि सब इंग्लिश में ही यूज़ कर रहे हैं। ये 18 जो है, -18 जो है, इसको हम क्या कहेंगे, गुणांक, और AB को हम कहेंगे चरांक। यदि आपके पास -3/5 XY है, तब हम क्या करेंगे, X और Y तो हमको समझ में आ गया चर राशि है। फिर से ये ऋण वाला जो है, -3/5, ये क्या हो जाएगा आपका गुणांक। तो ये हो गया आपका गुणांक जानना, किसी व्यंजक का चरांक जानना। अब आपके प्रश्नावली में भी कुछ प्रश्न दिए हुए हैं सजातीय विजातीय व्यंजक चुनने के। प्रश्न नंबर दूसरा है, यह आपका एक ही प्रश्न है, बहुत बड़ा है, चलो उसको लिख देती हूँ 5XY 7C -4/5 YZ। इसमें करना क्या है, ये लिख देती हूँ सजाती व्यंजक चुनिए। -5XY 7C -5 4/5 YZ, -7BC, -9/4 XY, 2/7 Z,
ऋण 2c bc, ऋण 37 pqr, 11/13 yz, 7z और 9 pqr। इसमें आपको सजाती सजाती ढूंढना है। अभी मैंने आपको बताया था कि सजाती कैसे ढूंढते हैं। सीधा सीधा ऐसे लिखा देते हैं। चलो कैसे ढूंढेंगे सजाती? जिनके चर राशि जिसकी चर राशि समान हो। अब देखिए एक्स वाई यहाँ पर है, तो यहाँ पर आपको कोई एक्स वाई वाला मिल रहा है, ये सी है, वाई जेड है, 7bc है, एक्स वाई जेड सी बी सी पी क्यू आर, कहीं एक्स वाई वाला है ये दो। तो हम लिख लेंगे सजाती, किसका सजाती लिख रहे हैं हम? एक्स वाई का। एक्स वाई का सजाती हो गया 5xy और ऋण 9/4xy। फिर आपके पास है सी, सी का सजाती क्या होगा? सी वाले कौन कौन से हैं? 7c और ऋण 2c। फिर आपके पास है वाई जेड, वाई जेड का सजाती कौन होगा? वाई जेड कहाँ कहाँ पर है? हम इसको लिख चुके हैं, इसको लिख चुके हैं, इसको लिख चुके हैं, ये इसको भी लिख चुके हैं, वाई जेड और ये वाई जेड। तो ये हो गया ऋण 4/5 वाई जेड और 11/13 वाई जेड, ये हो गया सजातीय। फिर से हम यहाँ लिख लेते हैं सजातीय और अब हमारे पास है बीसी, बीसी का सजाती कौन है? 7bc तो ये हो गया, और क्या हो गया है कोई बीसी का सजाती? नहीं, इसका और कोई सजाती नहीं है, तो इसको भी हम जोड़ी नहीं बनाते हैं। जिस जिसका हमको मिल रहा है सजाती, जेड वाला कोई और है, 7z दिख रहा है और ये 2/2 दिखा? हाँ सर मुझे नहीं दिखा। हाँ हाँ ठीक है, बी सी का सजाती दिख गया, ऋण 7bc और ये bc। अब है जेड, जेड का क्या है? 2/7 जेड और 7z, ये भी हो गया। अब हमारे पास बचा PQR, YZ को लिख गया 11/13 PQR। PQR का क्या है? ऋण 37 PQR और 9 PQR, सबके जोड़े मिल गए। तो सजाती भी आपको समझ में आ गया, और सजाती से उल्टा है विजाती। तो इसमें कोई कठिनाई नहीं होगी मेरे ख्याल से, बहुत आसान है। सिर्फ थोड़ा सा ध्यान देना है कि किसको गुणांक, किसको चरांक, किसको बीजी व्यंजक बोलते हैं। कंप्लीट हो गया सर, कितना टाइम है सर? बहुत है टाइम, टाइम बहुत है, 3 मिनट है बस। तो अभ्यास के प्रश्न लाए, नहीं मैं अभ्यास के प्रश्न लाए। चलिए हम लोग कुछ प्रश्न करते हैं इसी पर, अपने प्रश्नावली के अलावा। मैं उतार दूं क्या? टाइम तो है, आपके लिए अभ्यास के प्रश्न है। किसी संख्या के 7 × 3 का बीजी व्यंजक रूप क्या होगा? इसी तरह का सवाल अभी हमने किया था, किसी संख्या के 7 ×
कोई बच्चे सुन रहे हैं? से तीन कम का बीजी व्यंजक रूप क्या होगा? डैश डैश है, क्या होगा? कोई संख्या हम एक्स या वाई मान ले या जेड मान ले, मान लीजिए मैंने जेड माना है, जेड का 7 गुना यानी 7 जेड हो गया, और उसे कितना कम करना है? 3, ये आपका हो गया 7 जेड ऋण 3। इसी तरह से हम और ले सकते हैं, तीन प्लस वाई माइनस 7p में बीजी व्यंजक पदों की संख्या, में व्यंजक में पदों की संख्या कितनी है? खालिस्तान है। अभी थोड़ी देर पहले बताया था जितना प्लस और माइनस, माइनस और प्लस एक और एक दो है, हम इसमें एक जोड़ देते हैं यानी हमारा हो गया 3। नंबर 3 है, एक पद वाले पदों बीजी व्यंजक को खालिस्तान कहते हैं। क्या कहते हैं? एक पदी व्यंजक, एक पदी व्यंजक कहते हैं। किसी व्यंजक 2x धन 5 में चरांक खालिस्तान व स्थिरांक, स्थिरांक मतलब अचर राशि जिसका मान स्थिर है, खालिस्तान है, क्या होगा? चरांक क्या है? एक्स। स्थिरांक हमको दो दिखाई दे रहे हैं, 2 और 5। तो ये हो गया आपका कुछ सवाल। चर और अचर अथवा चर और चर जब गुणा धन और भाग से जुड़ते हैं तो क्या कहलाते हैं? बीजी व्यंजक। मैंने आपको पहले भी बताया था कि चर और अचर जोड़ हो सकता है, घटाना हो सकता है, गुणा भी हो सकता है, भाग भी हो सकता है। सजाती हमने आपको बता दिया कि समान चर राशि वाले को हम कहते हैं सजाती, और जब असमान होते हैं तो हम उसको कहते हैं विजाती। सजाती और विजाती में आपको ये मालूम होना चाहिए, जब सजाती देखेंगे तो घात भी समान है। ये मेन आपके इम्पोर्टेंट है जो आपकी समरी टाइप में लिखे हुए हैं पुस्तक में। इसमें ख़त्म करूँ क्योंकि तो इसमें कुछ है ही नहीं, सब रिपीट हो चुका है। चलो बच्चे लोग, आप लोग इसको समझेंगे और आगे की वाली क्लास में ना भूलें, क्योंकि है बहुत सरल लेकिन बच्चे भूल जाते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।